आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के खास खबर पर। नीम को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा देने महापौर ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। तलाक के लिए अब शादी के एक वर्ष के अंदर दायर की जा सकती है अर्जी। अब खबरें विस्तार से। नीम बहुगुणी तथा बहुउपयोगी औषधि वृक्ष है। नीम की पत्ती, फल और छाल विविध औषधि में उपयोग किया जाता है। इसके मद्देनजर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा है कि नीम के गुणों को देखते हुए वृक्ष का संवर्धन करना तथा भावी पीढ़ी को इसका महत्व समझाने की आवश्यकता है, इसलिए महापौर दयाशंकर तिवारी ने इस वृक्ष को राष्ट्रीय विरासत वृक्ष घोषित करने का आम सभा में प्रस्ताव पारित किया है। सरकार के पास पत्र भेजकर उसे मान्यता देने की मांग की है। शहर में साकार किए जा रहे ऑक्सीजन जोन में ज्यादा से ज्यादा नीम के पौधे लगाए जाएंगे। आजादी के 75 वर्ष बनेंगे 75 ऑक्सीजन जोन। महापौर ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पर शहर में 75 ऑक्सीजन जोन बनाए जाएंगे। वहाँ बहुउपयोगी नीम के पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएंगे। नीम को राष्ट्रीय विरासत वृक्ष घोषित करने का महानगर पालिका सभागृह में प्रस्ताव रखा गया। सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने रखे प्रस्ताव का स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर और पूर्व स्थायी समिति सभापति विजय झलके ने अनुमोदन किया। वहीं दूसरी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आने वाले तलाक के सभी मामलों में विवाह में एक वर्ष तक का इंतजार जरूरी नहीं होगा। यदि विवाह कठिन परिस्थितियों में हो या जीवन साथी अपने वैवाहिक कर्तव्य बिल्कुल नहीं निभा रहा है तो संबंधित न्यायालय तलाक का मुकदमा शुरू कर सकता है। इस निरीक्षण के न्यायाधीश मनीष पितले की खंडपीठ ने वरोरा वरिष्ठ श्रेणी दीवानी न्यायाधीश को चंद्रपुर जिले के निवासी युवक के तलाक की अर्जी पर सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। निचली अदालत ने 4 सप्ताह में फैसला सुनाने के आदेश भी जारी किए हैं। इसी के साथ खास खबर को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए MNS News Live। नमस्कार।